अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ एंड स्टाइल्स। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ समर ड्रेस डिज़ाइंस फॉर बेबी गर्ल्स। तो ये है जी डिज़ाइन नंबर वन। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं फिर इसको जूम इन करके आपको इसकी सारी डिटेल्स भी बताती हूँ। आप पहले इसका एक दफ़ा स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आपको पता रहे कहाँ पर क्या चीज़ लगी हुई है। ये फ्रॉक है, प्रिंटेड फ्रॉक है, गले पे प्रिंटेड कपड़ा कोई और लगा हुआ है, स्लीव्स पे भी वही है और बाकी जो बेस है वो प्रिंटेड कपड़ा दूसरा है ब्लू कलर में। अच्छा जी, सबसे पहले मैं अगर चलूँ इस फ्रॉक की लेस की तरफ, ये डिज़ाइनिंग मैंने ऐसे की है कि स्लीव्स जो सेंटर का एक पैनल है गले के नीचे वो, और उन दोनों का स्लीव्स का मैंने बिल्कुल सेम कपड़ा लिया है और इनके ऊपर जो लेस यूज़ हुई है ये बिल्कुल जो ज़िगज़ैग किनारी है इसके, ये तिल्ले वाली है, ठीक है, जो कि ये हर कलर में अवेलेबल होती है और ये आपको हर लेस वाली दुकान से बिल्कुल इजीली मिल जाएगी, ठीक है। बिल्कुल बारीक सी है, बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत सस्ती सी मिल जाती है, ठीक है जी। यहाँ पर भी गले पर भी यही यूज़ हुई है, दोनों साइड पर गले के, ठीक है जी, और बाज़ों पे भी यही यूज़ हुई है। और जी इसकी आप देख लीजिए कितनी है, ये 8 inches है ऑलमोस्ट, जो ऊपर बॉडी मैंने डाली हुई है ये 8 inches की है, देखते जाएं। और एग्जैक्ट मेजरमेंट मैंने जो इसकी की है ये बिल्कुल 8 inches की है, देख लीजिएगा आप भी। ये तकरीबन 1 से 1.5 साल की बच्ची को बेहतरीन तरीके से आता है। बाकी आप साइज़ अपने बच्चों की एज के हिसाब से, साइज़ हाइट वगैरह के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं जी। अच्छा, इसकी राउंड नेक है और नेक के बिल्कुल नीचे कोई मैंने पट्टी शट्टी नहीं बनाई, बस जो डिज़ाइन है उसके अंदर ये पर्ल्स वाले बटन है जिनकी फिलिंग कर दी है, ठीक है ना, 2 होल्ड बटन है ये। और दूसरी तरफ दोनों साइड पर डिज़ाइनिंग के लिए मैंने छोटी छोटी सी वो बना के बोस, उसके ऊपर भी यही पर्ल्स वाले बटन ऐड कर दिए, ठीक है जी। अब जो देखें, ये जो लेस मैंने बाजुओं पर गले पे यूज़ की है वही लेस मैंने बिल्कुल फ्रॉक के दोनों घेरों पे भी यूज़ की है, फ्रंट और बैक पे, फ्रंट और बैक पे दोनों यही यूज़ की है जी। तो बिल्कुल घेरे पे भी यही लेस लगी हुई है, आगे भी और पीछे भी, ठीक है जी। हाँ, ये बिल्कुल एग्जैक्टली बैक साइड और फ्रंट सेम बनी हुई है, सेम वही लेस है जो ऊपर और बाजुओं पर लगी हुई है। आप देखें कि इतनी सी चीज़ से ये कितना स्टाइलिश फ्रॉक लग रहा है, एंड यू नो व्हाट, के बहुत प्यारा लगता है जब बच्चे पहनते हैं, बहुत प्यारा लगता है। तो जी अब इसके प्लेट्स वाली साइड पे आएँ, तो जी ये ऊपर से जब मैंने हाफ हाफ किया है, आधे प्लेट्स दूसरी साइड पे और आधे इस साइड पे हैं, मतलब सेंटर में कोई प्लेट नहीं डाला मैंने, हाँ जी। और ये प्लेट्स जो हैं ये अंदर वाली साइड पर हैं, बाहर वाली चुनटें नहीं हैं, इसको मतलब जो चुनट है वो अंदर वाली साइड पर कवर की है मैंने, नीचे से कपड़ा बाहर को आ रहा है, ठीक है। ये तकरीबन 2 प्लेट्स उस तरफ हैं, ठीक है, और 2 ही प्लेट्स इस तरफ हैं जिसमें 3 चुनटें बेसिकली आ गई हैं, जो यानी कि एक जो 1 से 1.5 साल की बच्ची है उसके लिए ये फ्लेयर इनफ होता है, ठीक है जी। अब आप इसको अच्छी तरह से देख लें, अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो तो काइंडली कमेंट कीजिएगा मेरी वीडियो के नीचे, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगी। अच्छा जी, और ये बैक साइड है, बैक साइड पूरी सिंपल है, ये कट रख के ऊपर मैंने टिच बटन लगा दिया है, बहुत इजी और कन्वीनियंट होता है टिच बटन बच्चों के लिए, तो इजीली खुल जाता है, इजीली बंद हो जाता है, ठीक है जी। और ये बैक साइड बाकी सारा प्लेन है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम अपने सेकंड ड्रेस की तरफ आएँ, तो जी ये है लॉन का गरारा सूट, ये लॉन का है बेसिकली। मैं आपको ये बताती जाऊँ कि जी आप पहले इसका स्क्रीन शॉट ले लें, फिर मैं आपको बताती हूँ जी। हाँ, अच्छा जी, अब ये है कि शरारे वगैरह माओं को तो बहुत शौक होता है हमारी बच्चियाँ पहने, लेकिन जितनी गर्मी और अबस वाला मौसम होता बच्चियाँ इसमें तंग पड़ते हैं, बच्चे भी जाहिर सी बात है रेशमी स्टफ में तंग पड़ते हैं। सो ये लॉन में बिल्कुल सिंपल कलर्स के साथ और सिंपल डिज़ाइनिंग के साथ बहुत स्टाइलिश लगता है पहन के, ये दोनों कलर्स बहुत लाइट लाइट से और बहुत प्यारे लग रहे थे मुझे, तो मैंने अपनी बेटी के लिए ये इस तरह से बनवाया है, ठीक है। पहले आप इसकी शर्ट को देख लें, उसके बाद मैं आपको इसकी गरारे की सारी जो है साइज़ और इन दोनों का साइज़ किस तरह से
सेट करना चाहिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर जो बहुत सिंपल सी लेस का यूज़ हुआ है हमारे एरिया में, इसको जी समोसा लेस कहते हैं, ठीक है, और हर कलर में अवेलेबल है। मेरी बेटी जो है वो ऑलमोस्ट है 2.5 साल की, और इसकी लेंथ है 16 इंच, 2.5 साल की है वो, ठीक है जी, उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहती है, ठीक है। गरारे के साथ जो शर्ट्स पहनी जाती हैं उसकी शर्ट की जो लेंथ होती है वो कंपैरेटिवली छोटी रखनी पड़ती है। अच्छा जी, ये बाजू हैं, बाजुओं के आगे भी लेस लगी हुई है, और देख लें आप ये बाजुओं का साइज़ है, ठीक है जी। अब मैं आपको बताती चलूँ कि राउंड नेक के साथ ये जो लेस लगाई हुई है ये कपड़े के ऊपर रख के लगाई हुई है, इसके लिए अलहदा कपड़ा अटैच नहीं किया गया। समोसा लेस आप किसी भी दुकान से पूछें आपको बहुत इजीली मिल जाएगी, ये गोल्डन में है, हर कलर में बहुत इजीली अवेलेबल होती है, ठीक है जी। ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया गले के अराउंड, और फिर उसके बाद जी जो स्लीव्स अगर आप देखें दोनों स्लीव्स के आगे भी यही वाली लेस यूज़ हुई है गोल्डन में, ठीक है जी। देख लीजिए थोड़ा सा मैंने यानी कि थोड़ा सा हटा के किया, इसका भी एक पर्पज़ आपको बताती हूँ, थोड़ा सा मैंने हटा के स्लीव से क्यों रखा है, क्योंकि ये बड़े तो कर लेते हैं मैनेज, लेकिन जब इसके जो आगे से कॉर्नर्स हैं ना वो थोड़े थोड़े से बिल्कुल जिसको लाइट से आप कहीं शार्प होते हैं वो बच्चों को अगर डायरेक्ट स्किन पर लगें तो वो उनको इरीटेट करते हैं, इसलिए थोड़ा सा कपड़ा बढ़ा दें ताकि बच्चों की स्किन इरीटेट ना हो। अच्छा जी, घेरे पे भी यही समोसा लेस दिल्ले वाली गोल्डन यूज़ की गई है, ठीक है। और ये जो फ्लावर्स हैं ये आप पेस्टेबल होते हैं, नीचे ग्लू भी लगी होती है, मतलब समटाइम्स अगर आप आयरनिंग करते हैं आयरन से ये पेस्ट हो जाते हैं, ठीक है जी। 6 मैंने घेरे पे लगाए हैं फ्रंट वाली साइड पे, और 6 मैंने लगाए हैं दो एक एक दो दो बाजू पे लगाए हैं। और एक बात और बताऊँ कि मैंने इसको पेस्ट नहीं किया आयरन से, मैंने इसकी सिलाई लगवाई है, क्योंकि बच्चों के लिए जी मेरी बेटी तो वैसे हर बच्ची यही करती है, टसल्स और ये चीज़ खींच के फ़ौरन उतार देती है, सो ये मैंने पक्का काम किया, मैंने इसको सिलाई करवाया है, ठीक है जी। बाजुओं पे भी आप देख लें, एक आप दो लगवाना चाहें तो दोनों साइड्स पे एक एक लग सकता है, ठीक है जी। इस तरह से मैंने दोनों बाजुओं पे भी एक एक लगवा दिया है जी। हाँ, तो ये हो गई सारी शर्ट का फ्रंट, शर्ट का बैक भी अब देख लें आप, मैं आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल प्लेन सिंपल, बैक वाले घेरे पे मैंने लेस भी नहीं लगाई, ठीक है, बिल्कुल प्लेन है, बस ऊपर उसी तरह से राउंड नेक करके कट रखवाया और टिच बटन लगाया जी। हाँ, ये हो गई इसकी शर्ट की पूरी। अब हम चलते हैं जी इसके गरारे की तरफ। चलो जी, ये गरारा आता है जी, ये है गरारा इसका, शर्ट हटा के आपको बताती हूँ ताकि ईजीली आप गरारे को पहले सारा समझ लें जी। हाँ, तो जी ऊपर इसकी 9 इंच है, मतलब चुनटों से ऊपर वाला एरिया भी 9 इंच है, नीचे वाला भी 9 इंच है, ठीक है जी। ये मैं 2.5 साल की बच्ची की मेजरमेंट्स आपको दे रही हूँ, 9 इंच रखा है मैंने। शर्ट की लेंथ आपने देखी थी 16 इंचेस थी, ठीक है, और फ्लेयर इसका जितना ज़्यादा होता है उतना प्यारा लगता है, लेकिन बच्चे समटाइम्स बहुत ज़्यादा अगर फ्लेयर हो जाए तो उससे इरीटेट भी करते हैं। ये है जी 15 इंच पर साइड, यानी कि एक साइड का 15 इंचेस, अगर हम बोथ साइड्स को मैयर करें तो 30 इंचेस का कपड़ा था, जिसको मैंने ऊपर चुनटों में करवा के तो नीचे फ्लेयर छोड़ दिया है, ठीक है। और देख लीजिए चुनटे हैं बिल्कुल बारीक बारीक, जितनी बारीक चुनट आती है उतनी ही प्यारी फ्लेयर आती है, ठीक है जी, उतनी ही ज़बरदस्ती लुक आएगी। और जो लेस है वो भी आप देख लें, लेस वही समोसा लेस जो कि गोल्डन कलर में है, बिल्कुल डल गोल्ड शेड है ये, और मैंने आगे भी वही लगाई है, पूरे फ्लेयर पे राउंड करवाया है इसका, ठीक है जी। और जो फ्लावर्स हैं वो भी आप देख लें, जो शर्ट पे लगे हैं उसी में छोटे साइज़ में फ्लावर्स जो हैं वो मैंने तकरीबन यानी कि 2-2 आगे लगाए हैं और एक एक बिल्कुल ऊपर लगा दिए, मतलब 5-5 एक एक साइड पे आ गया। जो दूसरी इसकी साइड है वो भी एग्जैक्टली यही है, बिल्कुल सेम बनाई गई है, ठीक है। समोसा लेस, फ्लावर्स, चुनट, एग्जैक्ट साइज़ मेजरमेंट्स, ठीक है जी। अब जी मैं आपको इसके साथ शर्ट रख के दिखाती हूँ कि इसका साइज़ क्या आता है, ठीक है जी, क्या आता है साइज़ इसका आता है जी। आप जब भी बनाएं आपकी बच्ची का साइज़, बच्ची जितनी भी है, आपको मैं बता दूँ एज जितनी भी है, वो ये है कि आपकी जो चुनट है ना शर्ट इससे ऊपर आनी चाहिए, मतलब अपनी शर्ट की लेंथ इतनी बनानी है कि वो चुनटों से बिल्कुल ऊपर आए, बहुत ज़्यादा ऊपर भी अच्छी नहीं लगती लेकिन थोड़ी ऊपर आए तो वो एग्जैक्ट परफेक्ट लुक देती है। अच्छा जी, डिज़ाइन नंबर 3 की तरफ आ जाएं। दिस इज़ प्योर लॉन कुर्ता,
ठीक है जी, जिसको मैंने ब्लू और वाइट में बनवाया है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको बताती हूँ, जूम इन करके आपको इसकी सारी डिटेल्स बता देती हूँ। जी हाँ, तो अब इसकी डिज़ाइनिंग की तरफ आए जब, तो इस पे दो तरह का कपड़ा यूज़ हुआ है, ऊपर ज़िगज़ैग प्रिंटेड है ब्लू और वाइट में, ठीक है जी। इसकी स्लीवलेस हैं, बिल्कुल राउंड कटे हुए स्लीवलेस हैं, और जो यॉक है ये ऑलमोस्ट 3 इंच की मैंने डाली है ऊपर, ठीक है जी। 3 इंच की इनफ होती है, आपको पता है जो ये वो एक ट्रेंड होता है कि बड़ों में 7 इंच की चलती है, लेकिन बच्चियों की वही 3 इंच की परफेक्ट लगती है, बहुत प्यारा ये कुर्ता लगता है, ठीक है जी। वही मैंने जो मगजी डोरी सी बना के उसके स्लीव्स पे लगवाई है, ठीक है जी। जो नीचे वाला है सारा वाइट पोर्शन, वाइट वाला कपड़ा, वो फुली एम्ब्रॉयडर्ड है, ठीक है जी। इसलिए जो ऊपर वाला है वो प्लेन प्रिंटेड बहुत प्यारा लग रहा था, ठीक है जी। राउंड नेक, ठीक है जी, इसकी भी राउंड नेक मैंने बनवाई है, और इसकी मेजरमेंट मैं आपको एक दफ़ा इंच टेप से करके भी दिखा देती हूँ, तो ये आपको ताकि आसानी हो। ये देखिए, ये एग्जैक्टली 3 इंचेस है, बस 3 इंचेस, पूरा पूरा 3 इंच रहेगा फ्रंट और बैक दोनों पे, ठीक है जी। और यही कपड़ा जो ऊपर यॉक पे और बाजू के लिए यूज़ हुआ है, ये मैं यही मैंने यूज़ किया हुआ है और भी जगह पे। अच्छा जी, पहले इसका गला डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो बटन, ये जो ऊपर डोरी नज़र आ रही है ना आपको, बच्चों ये तो ये डोरी बहुत जल्दी खोल लेते हैं, इसलिए पहले मैंने जो नीचे कट रखवाया उसके ऊपर उसी कपड़े की पाइपिंग करवा के लगवा दिया है टिच बटन। टिच बटन लगाया है, इजीली वेयरेबल होता है बच्चों के लिए, और नीचे ये मैंने डोरी सिर्फ स्टाइल के लिए लगवाई है, भाई फैशन है तो ये प्यारी लग रही है लगी हुई, ठीक है जी। नहीं, ब्लू और वाइट में हर कलर में बहुत ईजीली अवेलेबल है, आपको मिल जाएगी। और ये नीचे कट है लंबा, जितना मतलब बच्चे के लिए इजीली वेयर करना इजी होता है बच्चों के लिए, ठीक हो गया जी। अब मैं आपको अगर इसके नीचे घेरे वाली साइड पे चलूँ तो वो भी देख लें, वही कपड़ा है जिसकी मैंने ऑलमोस्ट 1/2 इंच या उससे थोड़ी ज़्यादा की मैंने करवा दी है, ऊपर पट्टी रखवा के लगवा दी है, ठीक है। वो अपने डिज़ाइन की वजह से जो ज़िगज़ैग डिज़ाइन है बहुत बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। और जी नीचे मैंने लगवा दी हैं टसल्स। अच्छा जी, एक और स्टोरी सुन ली, जो 5वां टसल है, बेबीज़ एक्चुअली बेबी लव्स दीज काइंड ऑफ टसल्स, तो जी मेरी बेटी ने तो एक ही दफ़ा पहना और खींच के तोड़ दिया, फिर मैं उसको लगा लूँगी, तो मतलब ये टसल्स लेकिन प्यारे बहुत लगते हैं बच्चियों की शर्ट्स पे भी लगे हुए, ट्रेडिशनल से लुक देते हैं। अच्छा जी, बैक साइड अगर आएँ तो ऊपर वही 3 इंच की योक है, ये देखिए। नीचे जो पट्टी है वो मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली शर्ट के वाइट, प्लेन वाइट के ऊपर रख के लगवा दी है, बाजुओं की वही फिलिंग है, एंड डैट सेट। मैं आपको बताऊं, इस कुर्ते को अगर आप बच्चियों को जीन्स के साथ, टाइट्स के साथ, शलवार के साथ, वाइट या वाइट कोई भी बेल बॉटम ट्राउज़र अगर आपने प्लाजो बनाया हुआ है उसके साथ पहनाएंगे तो इट लुक्स ऑसम, ठीक है ना। जीन्स के साथ भी बहुत बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।